टेक फेस्ट हम लोग के कॉलेज में इस साल से स्टार्ट होने वाला है। सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, माय नेम इज एमडी जफर, आई एम बिलोंग टू भागलपुर डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम स्टडिंग इन जीसी बांका, बीटेक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर। तो हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली एक एक प्रोजेक्ट बनाना था आर्डिनो के ऊपर। तो हम लोगों ने कुछ एक ग्रुप बनाया था जिसमें 3-4 लोग थे, जिसके थ्रू दिन रात करके काम करने के बाद यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया। प्रोजेक्ट इधर आप फोकस करिए कैमरा में। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग का रेडी हुआ है, बाकी इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैं आप सबको बता दूं इसका मोटिव क्या है बनाने का। तो इसका मोटिव बेसिकली है रोड सेफ्टी को लेके। तो रोड सेफ्टी एग्जैक्टली कि काफी ज्यादा एक्सीडेंट होता है जब लोग रोड क्रॉस करते हैं, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट रोड सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी काफी सारे अदर कंट्री में इसे पहले ही बना चुका है, ये न्यू फ्रेश आइडिया नहीं है। पहले भी इसे अमेरिका और बहुत सारे जो डेवलप कंट्री है उसके अंदर यहाँ पे ये कर चुके हैं। तो अब मैं आप सबको बताता हूँ कि ये काम एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो जैसे मान के चलिए, अभी हम लोग के पास कार तो है नहीं, हम लोग तो इसका यूज करते हैं। तो मान के चलिए कुछ इस तरह से यहाँ पे है। तो ये जब भी कार यहाँ से रन करेगी और स्पीड मिनिमम 40 से ऊपर अगर रहा, तो अभी बेसिकली यहाँ पे ये जो सेंसर लगाया गया वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया गया, लेकिन बाद में इसके जगह पे जो है स्पीड डिटेक्ट सेंसर लगाए, वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो हम लोग भी अगर 40 से ऊपर स्पीड रहता है तो उस कंडीशन में होगा क्या, जैसे ही यहाँ से कार पास करेगी 40 से अगर एवव रहेगा यानी ज्यादा स्पीड रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो स्मार्ट ब्रेकर है, रोड ब्रेकर है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से अप हो जाएगा 3 सेकंड के लिए। तो मैंने ऐसा कोड यहाँ पे फिट किया कि 3 सेकंड तक ही ये ऊपर रहेगा, उसके बाद वापस से ये डाउन हो जाएगा। जैसे 3 सेकंड होगा यहाँ पे वैसे ये डाउन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से इजीली जो है यहाँ से कार जो भी होगा यहाँ से पार कर जाएगा। अब मैं बता दूं सिकंड यहाँ पे उस साइड क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस साइड जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है कुछ एलईडी बल्ब लगाया 7-7 के पेयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे से कोई जेब्रा क्रॉसिंग इस तरह से पार करता है तो यहाँ से एक एक करके ये बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे देखिए, अगर उधर से कोई कार आ रहा होगा मतलब ज़्यादा स्पीड में, तो ऑटोमेटिकली पहले तो ये रेड लाइट है, जो दूर से ही रेलवे में भी इसका यूज़ किया जाता है रेड लाइट का, ताकि दूर से ही लोग को पता चल जाए कि कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहा है। फिर भी अगर वो स्पीड कम नहीं करता है उस कंडीशन में जो है ये जेब्रा क्रॉसिंग ऑटोमेटिकली जो है ऊपर उठ जाएगा, जिससे उसको स्पीड कम करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से स्पीड यहाँ पे कम कर हो जाएगा तो एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा कम होगा। तो आई होप कि आप सबको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग चैनल पे आप लोग विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।